चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। भारत आज अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। भौगोलिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता वाला यह देश आजादी के 75 सालों में मोहब्बत व नफरत के कई पड़ाव से होकर गुजरा है। 15 अगस्त साल 1947 में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन भारत ब्रिटिशों के शासन से मुक्त हो गया था। इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को भारतीय ध्वज फहराने व घर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस पर विचार करते हैं कि हमारे देश ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या कुछ किया और किन लोगों ने बलिदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाखों भारतीयों ने अपना बलिदान दिया, खून बहाया। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। देश भर में इस दिन राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने राष्ट्र और संस्कृति का जश्न मनाते हैं, राष्ट्रीय और स्थानीय लिबास पहनते हैं। स्कूलों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अब आपको इसी के साथ बताते हैं कि भारत की आज़ादी की तारीख किसने तय की थी। आज़ादी की तारीख 15 अगस्त को तय करने का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। इसी के साथ आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईआरएन टीवी।